हेलो फ्रेंड्स, ये है पोको एस टू और मैंने जो इस पर देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन गार्ड जो टेम्पर्ड ग्लास मैंने यूज किया है वो है एक इम्पॉसिबल आई केयर इम्पॉसिबल का गार्ड, ठीक है, 6H प्रोटेक्शन सुपर हार्डनेस, ठीक है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था और इसका प्राइस है 149-150 रुपये, ठीक है। और ये मैंने पोको में लगाया और आप देख सकते हैं मैंने कैमरा कार्ड पे ठीक अच्छी तरह से बैठ गया। दोस्तों, ये मेरे डालने का मकसद यह था कि आपका जो कैमरा होता है वो कट होता है और आप अगर कोई सेल्फी लेते हो तो आपका वो फोटो अच्छा आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्क्रीन गार्ड लगा दिए, ठीक है, कैमरा ढक गया और आपका फोटो बहुत बेकार आ गया, और इससे क्या होगा, आपका जो कैमरा है वो काट रहेगा और आपका फोटो भी बढ़िया आएगा। और दोस्तों, ये जो स्क्रीन गार्ड है ज़्यादा हार्ड तो नहीं है पर स्क्रैच प्रूफ है। मान लीजिए मैं अगर आपके यहाँ पे कुछ भारी कुछ गिर जाता है तो स्क्रैच नहीं आएगा, स्क्रैच प्रूफ है, ठीक है। ये मैंने पर्सनली टेस्ट किया था और ये उतना हार्ड नहीं है। अगर कुछ भारी चीज़ लगता है तो लगता है आपके गोरिल्ला ग्लास में कैट लग जाएगा, पर ये स्क्रैच प्रूफ है। और सबसे बड़ी बात है ये कैश में कैमरा कार्ड है, ठीक है। तो आप चाहे तो ये परचेस कर सकते हैं आई केयर इम्पॉसिबल कार्ड, ये आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा पोको एस टू के लिए। ये आपको दो मिलता है, एक बैक के लिए और फ्रंट के लिए। मैंने सिर्फ फ्रंट के लिए खरीदा इसलिए इसका 150 रुपये लगा। और अगर दोनों के लिए चाहते हैं बैक और फ्रंट तो आपको प्लस शायद 300 रुपये लग सकता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सिर्फ एक ही साइड पे लेना, बैक साइड को मत लेना, कि बैक साइड में जो स्क्रीन कट आता है वो बहुत बेकार आता है। मैंने देखा है, मैंने एक दोस्त लिया था ना, उसको उसका उतना अच्छा नहीं बैठा था, ठीक है, बहुत गंदा तरफ से ख़राब दिख रहा था, इसलिए मैंने एक साइड पर ही लिया।